हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू गेमिंग जोन। और फार्मिंग सिमुलेटर 22 का पहला मोड मैप आ चुका है, और वो मैप भी क्या कमाल का मैप आया है, नो मैंस लैंड। मतलब FS19 का वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड और सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा हिट। मतलब जितनी इस मैप की तारीफ़ की जाए उतनी कम थी। इतना ये मैप लगभग हर बंदे ने इस मैप को खेला था जिसने FS19 खेली है, तो इतना कमाल का ये मैप था। और वो अभी FS22 में आ चुका है, और FS22 का पहला मोड मैप भी है ये। मतलब जब भी कोई नई गेम आती है फार्मिंग सिमुलेटर की, तो उसके मैप की जरूर इंतजार होने लगता है कि सबसे पहला मोड मैप कौन सा आएगा। तो आ चुका है नो मैंस लैंड, बड़ा ही कमाल का मैप है। तो देखते हैं क्या कुछ इसमें चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले तो यहीं पर हमें इस मैप का हमें दिख रहा है, यहाँ पर हो जो फार्म है। तो खैर देखते हैं, रियल में देखते हैं यहाँ पर क्यों देखें हम। तो यहाँ पर तो चलिए करेक्टर क्रिएशन आ गया, तो इसको छोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम होते हैं लैंड। तो ये आई थिंक शॉप है, तो यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है, आई थिंक अपनी है ये। हाँ बिल्कुल, ये गाड़ी अपनी है, तो इस गाड़ी को हम चला कर ले जा सकते हैं इधर उधर। तो चलाएंगे अभी थोड़ी देर में, अपने फार्म पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले शॉप को ही देख लेते हैं। तो शॉप आई थिंक ज़्यादा चेंजेस नहीं है। देखिए मतलब यहाँ से हम आते हैं, ये जो फार्म है वो फार्म उधर होता है, तो वहाँ से हम अपना लेकर आएंगे ट्रैली ट्रैक्टर जो भी है, यहाँ आएंगे। और यहाँ पर है अपनी शॉप, तो यहाँ पर सब कुछ लगभग सेल हो जाता है इस जगह पर। जो देखिए क्रॉप दिख रही है गेहूँ, तो यहाँ पर लगभग हर चीज़ सेल होती है। मतलब लकड़ियाँ लकड़ियाँ कुछ चीज़ें नहीं होती सेल, उसके लिए अलग सेल पॉइंट भी बनाए गए हैं। तो ये है अपना सेल पॉइंट इस मैप, अभी एक ही है, बाकी आप खुद प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये साइलो वाइलो बने हुए हैं अच्छे से फूल, और ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है जो कि अपनी है, मैंने ऑलरेडी बताया है। और यहाँ पर ये चीज़ है, इस पर आई थिंक हम खरीद सकते हैं चीज़ें, सर्विस चार्ज अप्लाई। तो यहाँ से कुछ चीज़ें खरीदेंगे तो डेफिनेटली खर्चा लगेगा, सर्विस चार्ज लगेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, यहाँ पर एक मिनट, मेरे को लगता है मेरे को ना वो ऑन करना पड़ेगा, इंटरेक्टिव जोन मार्कर। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें सेल होने का आ गया है। तो यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ें सेल होंगी, जैसे ये हो गया आई थिंक शुगर, हाँ रिफाइंड शुगर है। तो इस तरह ये सीरियल पड़ा हुआ है, और ये बटर, और ये देखिए क्लॉथ, सेंस फॉर फैशन, बटर वगैरह हर चीज़। मतलब जो प्रोडक्शन चेन की चीज़ें आई हैं, ये देखिए ब्रेड पड़ा हुआ है, स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है नीचे, ये टोमेटो है, स्ट्रॉबेरी है बिल्कुल। तो मतलब जो भी प्रोडक्शन चेन की चीज़ें आई हैं वो सब यहाँ पर सेल होंगी, तो उसके लिए ये ट्रिगर बनाया गया है यहाँ पर, सेलिंग ट्रिगर। और यहाँ पर आते हैं हम अपनी शॉप, इस तरफ काफ़ी हद तक सेम ही है दिखने में, वहाँ पर शायद एनुअल डीलर होगा। तो यह है अपनी शॉप, यहाँ पर हम, अरे वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है, लेडी भी इस बार यहाँ खड़ी हुई है सामान बेचने के लिए। तो मतलब ट्रैक्टर टूटर जो खरीदना है यहाँ आओ और खरीदो। तो देखिए यहाँ ये निशान भी बना हुआ है कि यहाँ से हम चीज़ें खरीदेंगे, यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, ब्लैक बुक, पता नहीं यार कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पर ये लेडी जो है अपने सामान बेचेगी, तो क्या कुछ बेचती है भाई। हाँ ये तो वही चीज़ें बेचती है ना, जो कुछ भी है अपने पास। तो मैडम जी अभी तो हमने कुछ खरीदना नहीं है, तो अभी आते हैं, जब आएंगे तो आप चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है, अभी हम पैसे लेकर नहीं आए। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक सर्विस, आई थिंक ये है अपना वर्कशॉप, बिल्कुल हाँ, हेयर यू कैन कस्टमाइज योर व्हीकल्स। और यहाँ पर बिग बर्ड का लगा हुआ है, क्या बात है भाई। और यहाँ पर सड़क दिख रही है, गाड़ियाँ जा रही हैं। तो चलिए बाहर जाते हैं, देखते हैं और नज़ारे। ये क्या पड़ा हुआ है, वैसे ही फूलदानी सी पड़ी हुई है। यहाँ पर भी एक आपका, अच्छा यहाँ पर तेल भरवाने का है, गैस और पेट्रोल डीजल जो भी भरवाना है यहाँ पर आकर भरवा सकते हैं। इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और ये है एनिमल डीलर, बिल्कुल एनिमल डीलर है ये। यू डोंट हैव एनी एनिमल बार्न और पोस्चर फर्स्ट प्लेस आ बार्न टू बी एबल टू बाय सम एनिमल, ठीक है जी। तो अपने पास अभी कोई है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कुछ बिकेगा नहीं। ये क्या, ये दरवाज़ा खुलता है, नहीं ये तो नहीं खुलता। तो इस तरफ देखिए अपना जंगल शुरू हो जाता है, ये सारा एरिया है, तो मतलब जंगल ही है ये मैप। एक नो मैंस लैंड, इसका नाम ही इसीलिए ऐसा रखा गया क्योंकि इसका नाम है। और उसके अगर आप डाउनलोड करने के लिए जाते हैं, मोड हब पर आ चुका है ये, बाय द वे मोड हब पर अवेलेबल है, आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको यही उम्र में, और ये देखिए यहाँ निशान आ चुका है, यहाँ से हम चीज़ें खरीद सकते हैं। अभी तो मेरे पास कोई ट्रैक्टर टैली है नहीं है, चलो यार खरीद के देख ही लेते हैं हम, कि उससे पहले फार्म देखते हैं, इसको फिर देखेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने फार्म पे, अंदर
अंदर का कैमरा ऑन कर लेते हैं और चलते हैं यार अपने फार्म पे, देखते हैं फार्म पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो गाड़ी की स्पीड फुल कर देते हैं, भगाते हैं इसको पूरा। और ये कच्चा रास्ता ही है, अगर आप खुद आप इसको प्लेस व्लेस करके अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये रास्ता कच्चा ही है। अंदर से मज़ा नहीं आ रहा। और तेरी क्या स्पीड देखो गाड़ी की, 120 किलोमीटर की स्पीड से कैसे भागती है, लेकिन ये मेरे को सीधी नहीं चल रही मुझसे। चलो अभी सीधी है। तो चलते हैं यार अपने फार्म पे और देखते हैं कि फार्म में हमें क्या कुछ मिलता है। आई थिंक फार्म पे वही चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा चेंजेस होंगे डेफिनेटली, क्योंकि तो चलिए यार पहुँच गए फार्म में, पहुँचने में कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस यहीं से शुरू कर देते हैं। चलो यार आगे चलते हैं, ट्रैक्टर के पास से चलते हैं। मेन चीज़ें पहले देखते हैं कि हमें मिलता क्या उससे। तो यहाँ पर फील्ड है अपनी जो कि हो चुकी है विदर्ड, क्रॉप टाइप पोटैटो। तो यहाँ आलू लगे हुए थे ख़त्म हो चुके हैं, ये देखो ये पड़े हुए हैं स्टोन्स, ये आलू हैं ये, है ना, ये देखो आलू से ही बने हुए हैं जो कि इनको फंगस लग गई है, ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अपना आ गया है फार्म। तो यहाँ पर एक खड़ा हुआ है स्टायर का ट्रैक्टर है, ये कल्टीवेटर पड़ा हुआ है जो कि पता नहीं कितने सालों से धुले नहीं है। क्या बात है, क्या बकवास है, मतलब बात नहीं क्या बकवास है। ये प्लो पड़ा हुआ है, यहाँ एक ट्रैली पड़ी हुई है, हार्वेस्टर है ये, और ये हार्वेस्टर का सैडर सीडर सब कुछ पड़ा हुआ है काम शुरू करने के लिए। लगभग सब कुछ चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर मिलती हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पर अपना फार्म इधर है, अच्छा मैं उधर चला गया था। तो ये है अपना फार्म, तो देखते हैं दरवाज़ा खुलता है कि नहीं। खुलता है, बिल्कुल खुलता है। तो यार ये किस ज़माने का यार घर बना रखा है, या टीवी भी है तो टीवी देख सकते हैं आप बैठकर यहाँ पर, लेकिन हमको तो टीवी देखना नहीं है। और यहाँ पर है ये बहुत ही गंदा सा बाथ टब, इसमें कौन नहाएगा भाई। यहाँ पर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, सीओ काउच काउच कंपनी का काउच कंपनी का कंप्यूटर पड़ा हुआ है। चलो ये आज पड़ा रहने दो। ये शायद किचन है। तो यार एक थोड़ी सी जगह पे घुसेड़ा हुआ है, और यहाँ पर स्लीप ट्रिगर है, यानी कि अगर आप सोना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर सो सकते हैं। ऊपर भी चढ़ते हैं क्या? अरे यार ये कहाँ फंस गया। और है तो ये ऊपर का एरिया है, खाली ही पड़ा है सब कुछ। तो नीचे जाते हैं हम, दरवाजा कर देते हैं बंद ताकि कोई घर पे घुस ना जाए। यहाँ पर है हल्के होने का शायद। अरे यार क्या बकवास है ये, बंद करो ये दरवाजे को। छी यार, सारा मूड का सत्यानाश करके रख दिया। तो चलो यार क्या, मैं इस चीज़ को छोड़ो, ये अपने जंगल वंगल बनाओ ये एरिया अपने। तो देखते हैं यार हमें मिलता क्या है, क्या फील्ड मिलती है हमको। तो ये सारा वही एरिया है, 60, हाँ बिल्कुल 60 फील्ड हैं। फील्ड तो नहीं है, 60 छोटे छोटे एरिया बना रखे हैं, तो हम खरीद सकते हैं, हमें क्या मिलता है ये देखते हैं। तो बिल्कुल यार हमें वही एक फील्ड मिलता है 26 नंबर वाला, जिसमें एक छोटी सी फील्ड है, बाकी एरिया जंगल का बना हुआ है, और ये सारे एरिया खाली हैं। खरीद सकते हैं, पहले से शुरू करें तो 85 हज़ार है इसका, इसका भी शायद वही है। बिल्कुल सभी चीज़ों का 85 हज़ार है, 85 85 85 सभी का 85 85 हज़ार है। हाँ बिल्कुल। तो यार कोई भी जगह आप खरीदना चाहते हो तो 85 हज़ार में आप खरीद सकते हो। यहाँ पर शायद एक पूल बना हुआ है, चलो यार जो भी बना हुआ है। खैर ये हो गया इस मैप के, कोई भी फील्ड आप खरीदना चाहते हैं खरीद कर आप जंगल वंगल से चीज़ें काट सकते हैं। तो अगर मैं एक चेंसो खरीदता हूँ, देखते हैं कुछ काट के लकड़ी। यार एक तो ये जंग नीचे ना वो बोर्ड होता है, इसमें थोड़ी साफ सी एरिया में चलते हैं, यहाँ पर काटते हैं यहाँ करें इसको। पेड़ काटते हैं और देखते हैं, वैसे पेड़ तो कट ही जाएंगे, वैसे मैं देख रहा हूँ काफी मोटा किस्म का पेड़ है, देखो कितना टाइम लगा दिया इसने गिरने। अरे वाह, गिरने की आवाज़ भी आ रही है। तो खैर इसमें तो मैप का कोई लेना देना नहीं है, ये तो गेम बनाने वालों ने दिया चीज़ इस पर। तो इसको इस पर सफाई कर देते हैं, ऐसी सारी इसकी टहनियाँ वहनियाँ काट देते हैं। तो इसके ऊपर बहुत जल्द एक सर्वाइवल सीरीज मैं शुरू करूँगा, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो पेड़ काट काट कर शुरू में सर्वाइव करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर एक फार्म बिल्ड करेंगे बढ़िया सा। तो बहुत जल्दी मैं कर दूँगा। आप बताइए यार कैसी, किस तरह की सीरीज आप देखना चाहते हैं। अरे यार ये क्या बकवास है,
चलो छोड़ो यार, लकड़ी काट दी है, वो काट दी है। तो ये हो गया अपना घर, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है फार्म पे। तो ये साइलो लगा हुआ है, यहाँ पर आप चीज़ें अपनी खरीद ला मतलब ले सकते हो, यहाँ पर आकर डाल सकते हो। साइलो जिम्पटी मतलब बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर ये वाटर है, शायद फ्री में होना चाहिए। यहाँ यू टू यूज ओपन वाटर वैल्यू वाल, अच्छा वैल्यू नहीं वाल, अच्छा वाल, ठीक है वाल। तो यहाँ पर शायद ये है वर्कशॉप, कल वर्कशॉप, हाँ बिल्कुल वर्कशॉप है। देखिए कितनी कमाल की। अरे यार लट्टू अपने आप जगता है क्या? बंद, ये देखो दरवाज़ा खुलने से लट्टू बंद हो जगता है, और बंद करने से बंद हो जाता है। अभी मैं खोलता हूँ तो इसकी अपने आप जगेगा, ये दरवाज़ा बंद करते ही होता है। तो खैर ये है आपकी वर्कशॉप, जो भी अपना सामान वामान यहाँ बाहर आपको खड़ा करना होगा, और यहाँ अंदर आकर आप अपने इस वक्कल को वर्कशॉप कर सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर कोई ऑप्शन तो नहीं दिया जा रहा है। चलो खैर यार देखेंगे, जब भी कोई रिपेयर करना होगा तो देखेंगे। और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ पर एक पूल, पूल है ये, पॉन्ट, पाउंड, पॉन्ट क्या होता है यार, ये लेक कह लो यार, लेक बनी हुई है। यहाँ पर ये एक शेड सा लगा हुआ है, छोटू सा, खाली पड़ा है। FS19 में यहाँ पर बेल्स वगैरह थी। तो यार ये हो गया अपना। तो अभी मैं चलता हूँ, एक ट्रैक्टर खरीदते हैं हम, ये खरीद लेते हैं। अरे यार लीज पे लेना पड़ेगा, पैसे नहीं है खरीदने के। और मैं वहाँ पर देखना चाहता हूँ कि क्या कुछ हमें मिलता है और क्या प्राइस है उस चीज़ का। ये छोटे वाले खरीद लेते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ ये। तो ज़्यादा कुछ है नहीं मैप में देखने के लिए, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ें और ट्राई कर लेते हैं हम। ये ट्रैक्टर कड़ा कमाल का यार, ये मैंने आज ही देखा है, रियल मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। ये कवर इसका ओपन कर लेते हैं, चलिए यार यहाँ जाकर देखते हैं क्या कुछ चीज़ें मिलती हैं हमें और क्या प्राइस क्या है उन चीज़ों का। चलिए अभी नीचे नहीं गया का, नीचे तो गया नहीं। तो चलो वीट, बारले, ओट्स, कनोला, सोरगम, ओलिव्स, सनफ्लावर, सोयाबीन, कॉर्न, पोटैटोज, शुगर बीट, शुगर बीट कट, शुगर केन सीड, टोटल मिक्स राशन, फोरेज, चाफ, वुड चिप्स, साइलेज, ग्रास, हे, श्रा, स्नो, स्नो, स्नो भी है स्नो। अरे यार स्नो तो फ्री में मिल रही है। तो यार स्नो भी मिलती है, लेकिन स्नो फ्री में मिल गई है हमको, तो स्नो सेल भी हो जाएगी क्या? मतलब ये भी तो कमाल की चीज़ है, स्नो खरीदो और भेज दो, लेकिन स्नो आई डोंट थिंक के सेल होती होगी। नहीं स्नो सेल नहीं हो रही, देखो स्नो इज नॉट एक्सेप्टेड है। और अगर इसको फिर कैसे गायब करें भाई, इसको रीसेट कर देते हैं। मतलब मेरे को और चीज़ें चेक करनी है ना वहाँ पर, ये इसमें स्नो बर्फ डाल दी मैंने इसको रीसेट क्या करना है, मैं कोई और ट्रैली खरीद लेता हूँ, ये खरीद लेते हैं। चेक करते हैं कि और क्या कुछ मिलता है, प्राइस क्या है यार। ये तो फ्री में मिल गई ना, इसका क्या पता चलेगा हमको कि प्राइस क्या है चीज़ों का, इसमें क्या सस्ती मिलती हैं चीज़ें। और मतलब मान लो हम यहाँ से 10,000 लीटर वीट खरीद लेते हैं, तो उसको अगर हम सेल करते हैं तो क्या प्राइस मिलता है हमको उसका, और खरीदने में कितने रुपए की खरीदी जाएगी चीज़, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। और ख़ासकर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे टोटल मिक्स राशन हो गया है ना, या साइलेज हो गई, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमको बनानी पड़ती हैं मेहनत करके, तो क्या वो चीज़ें हमको सस्ती मिल जाएंगी यहाँ पर, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। तो स्नो हो गई थी, रेड साल्ट, ये है, ये रोड साल्ट होता है कि जो जब स्नो पड़ती है बहुत ज़्यादा ठंड में, क्योंकि सीज़न है FS1922 में सीज़न आ गया, तो इसलिए वहाँ पर जरूरत होती है इसकी। लाइम है, पिग फूड है, स्टोन्स, स्टोन भी खरीदे जा सकते हैं, क्या बात है यार। मिनरल फीड है, मैनर है, सॉलिड फर्टिलाइजर, और फिर वीट वापस आ जाता है। तो अभी मैं ऐसा करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं इसमें, कनोला खरीदते हैं, देखते हैं कितने को रुपए की हमको ये पड़ेगी। 10,000 लीटर खरीद लेते हैं हम, 1 मिनट, ये 10 हो गया, 10, 10.5 हो गया। तो 15,000 में हमने 10,500 लीटर कनोला खरीदी है, तो इसको हम सेल करेंगे तो कितने में बिकेगी, तो क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा? वैसे तो ये चीटिंग होगी कि सस्ती खरीद खरीद कर बेहतर, और इसमें मज़ा भी क्या है, इसमें कोई मज़ा तो नहीं आएगा, लेकिन वैसे बात है, देखते हैं कि कितने में बिकती है ये चीज़।
क्या उतने में ही खरीदी जाएगी जितने में हमने बेचनी है? थोड़ा सा फर्क है भाई, ये तो 17,000। तो अगर हम चेक करें वहां जाकर, कहाँ है यार, ये तो बहुत। तो देखो 17,000 हार्वेस्ट इनकम हुई और 15,743 में हमने वो खरीदी थी, तो ये मतलब कोई खास चीज़ इतना प्रॉफिटेबल नहीं है कि जितना हम सोच सकें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खरीदने पे आपको प्रॉफिटेबल हो जाता है, जैसे TMR खरीद के देखते हैं कि TMR खरीदने पर आपको कितने का मिलता है। TMR देखते हैं, TMR देखते हैं, 10,000 लीटर खरीदते हैं। दस तो हजार हो ही गया सिर्फ 1,000 में, कमाल है यार ये तो। फिर TMR खरीदो और मतलब सही है बिल्कुल, काउज रखो और TMR खरीद के उनको देते रहो यार, ये हो गई ना बात। इतना सस्ता TMR यहाँ पर मिल रहा है, क्या बात है यार, क्या बात है। ये देखो मतलब इतना सस्ता TMR, ये बिकता तो पता नहीं होगा कि नहीं, अगर इसको बेच कर देखें तो। ये तो यार हद हो गई, इतना सस्ता TMR तो यार मिलता ही नहीं है कहीं, बिकेगा क्या? ये देखो TMR यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है, तो TMR तो हम नहीं बेच सकते डेफिनेटली। तो खैर यार ये चीज़ें हो गई, अभी हम ये देखते हैं कि इस बंदे ने हमको यूज करने के लिए क्या कुछ दिया है, क्योंकि FS19 में बड़ा कुछ दिया था। यहाँ जाकर देखते हैं, यहाँ और साइलो में, शेड में देखते हैं, शेड में इसने क्या कुछ दिया हमको। नहीं यार शेड में इसने कुछ नहीं दिया हमको, ये है शेड है, शेल्टर विदाउट फ्रंट। अच्छा ये दो कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पर है ना, ये वाला शेड है ये, तो जो हम वहाँ पर हमें देखने को मिला था, ये शेड नहीं। इस बंदे ने फार्म हाउस में तो बड़े ऑप्शन दे रखे हैं इसने, ये सड़िया सा फार्म हाउस भी दे रखा है जिसमें साफ सफाई नहीं है, ये फार्म हाउस है। अच्छा ये तो यार लैग्रेंट मैप वाला है, ये तो सारे उसमें हैं। और ये देखो डियर 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 भाग ना मत, इसके पीछे जाते हैं, कहाँ तक जाएगा? इसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा है या कम है? ये तो बहुत स्लो भाग रहा है भाई, मैं इसको पकड़ लूँगा, इसका हंट करते हैं। कोई तीर कमान तो अपने पास है नहीं है, देखते हैं कहाँ तक भागेगा भाई। ये मैप के बाहर चला गया तो फिर नई बात बनेगी, ये अंदर घुसेगा, इस दीवार के अंदर घुसेगा? नहीं घुसा, मतलब एक दिन एक घुस गया था वो, ऐसे अंदर ही घुस गया, तो फिर उसके अंदर मैं तो घुस नहीं सकता ना। ये घुसेगा, देखो ये घुसेगा, हो गया बस, मैं अब कहाँ जाऊँ बताओ ये उस दिन भी मेरे साथ ऐसा हुआ था एक दिन, तो खैर इसको छोड़ो यार। एनिमल्स में नहीं, एनिमल्स में इसने कुछ नहीं दिया, हॉर्स में कोई नहीं है, पिग्स में नहीं है, शीप में नहीं है, किसी में भी इसने कुछ स्पेशल चीज़ नहीं दी हमको। नहीं, डेकोरेशन में देखते हैं, लैंडस्केप में देखते हैं, पेंटिंग में ना यार इसने कुछ नहीं दिया अब तक, ट्रीज कुछ दिए हैं इसने खास? नहीं यार इस बार ये बंदे ने कुछ नहीं दिया हमको। ये FS19 में इसने बहुत कुछ दिया यूज़ करने के लिए, अगर आप FS19 खेलते हो और आपने ये मैप खेला है तो आपको पता होगा FS19 में बड़ा कुछ था इस बंदे ने दिया था यूज करने के लिए आपको। आई थिंक हमें मिल सकता है फ्यूचर में, अभी तक तो आया नहीं है। नो मैंस लैंड प्लेसेबल बैग, अरे ये देखो ये यहाँ आ गया अब, ये क्या यहाँ मेरे साथ खेल खेल रहा है तू? ये फिर घुसेगा इधर उधर, चलो डियर हंटिंग, ये बाहर जाएगा मैप से, मैं मैप से बाहर नहीं जा सकता, गाड़ी के अंदर घुस के आ गया बस, ये मैप यहीं तक है। और वो देखिए वो गुब्बारा भी इस बार है इस मैप में। तो खैर यार आज का मैप टूर हो गया है, अभी और कुछ नहीं है एक्सप्लोर करने को। यहाँ पर अपने फार्म में आकर हम करते हैं फिनिश। तो कैसा लगा यार आपको ये मैप टूर, जरूर बताना, और बहुत जल्दी इस पर सीरीज शुरू करेंगे। तो आप किस तरह की सीरीज देखना चाहते हैं, क्या हम न्यू फार्मर से शुरू करें, तो ये जो चीज़ें हमको दी गई हैं दी हैं इस बंदे ने, क्या यहीं से शुरू करें, या फिर आपको ऐसा है कि भाई नहीं हम अपना सर्वाइवल सीरीज एक शुरू करें, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस तरह का कहेंगे उसी तरह से हम सीरीज जो है शुरू करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना यार किस तरह की सीरीज आप देखना चाहते हैं।
और मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को धोता हूँ यार। ये बंदे ने बड़ी गंदी गंदी चीज़ें दी हैं हमको। ट्रैक्टर तो खास कर धो धो के रखना चाहिए ना। तो कैसा लगा आपको यार कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे बड़ी वीडियो के साथ बहुत जल्द, और इसी तरह के मैप टूर, क्योंकि कोई भी नया मैप जब आएगा FS22 का, उसका हिंदी में मैप टूर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर। तो इस मैप को लाइक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलता। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।